वो उसने तो अपना मशीनें बांट दी हैं इंडिविजुअली, जिससे कि पराली को जलाया ना जाए। पर दिल्ली के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है वो कंस्ट्रक्शन डस्ट से होता है, धूल से होता है, उसके बारे में कुछ नहीं किया गया। यमुना से होता है, यमुना में आज भी 18 के 18 बड़े नाले जो है गिर रहे हैं, उसको साफ करने के लिए कुछ नहीं किया गया। जो प्रदूषण है वो इतने वाहनों से होता है कि उसके बारे में कुछ नहीं किया गया, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है बिल्कुल ख़राब है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहते थे 10,000 बसें आएंगी, एक बस अब तक आई नहीं है। केजरीवाल सिर्फ जिम्मेदार है, दिल्ली की जनता को उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। ये केजरीवाल दिल्ली को स्लम बना के, प्रदूषित बना के, गंदा बना के छोड़ेंगे, इसलिए ये धरना है। ये आज का धरना नहीं है, ये तो पूरा आंदोलन का स्वरूप लेगा, ये आंदोलन का स्वरूप लेगा। मैं दिल्ली वालों से कहना चाहता हूँ, जो बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, आपको बाहर निकल के आना होगा, नहीं तो ये प्रदूषण आपके घर में पहुंच जाएगा। लोग कहते हैं सवेरे सैर मत करो, शाम को सैर मत करो, वॉक मत करो, इसलिए मत करो कि इससे प्रदूषण हो जाएगा। लोग कहते हैं मास्क को पहन कर ही कहीं पर भी जाओ, स्कूलों में छुट्टियाँ करने की नौबत आ गई है। इतनी अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है कि बता नहीं सकते हैं। इस समय पर दिल्ली सो रही है, क्यों? क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री सो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को झकझोर करने की जरूरत है, वो केवल ट्विटर और फेसबुक पे काम कर रहा है, इससे ज़्यादा वो कोई काम नहीं कर रहा है। और मैं समझता हूँ नाटक सिर्फ हो रहा है। दिल्ली को बचाना है तो केजरीवाल को हटाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसलिए ज़रूरत ये है कि प्रदूषण के ऊपर हर व्यक्ति को एक साथ आकर काम करना पड़ेगा। लोक अभियान की तरफ से ये आंदोलन इसीलिए है, क्या कि दिल्ली की सरकार जागे, केजरीवाल सरकार जागे और प्रदूषण यहाँ से भागे। हमारे पास कोई नई बस नहीं आई, कोई एयर प्योरीफायर नहीं आया, कोई वैक्यूम क्लीनिंग नहीं हो रही है, सड़कों को डस्टबिन नहीं किया जा रहा है, और केवल ब्लेम गेम की राजनीति चल रही है। और इस वक्त जो भी सांस दिल्ली वाले ले रहे हैं वो जहर भरी सांस है। मुझे लगता है दिल्ली की सरकार को कदम उठाने होंगे, और अगर आप कदम नहीं उठा सकते तो आप कुर्सी छोड़िए। दिल्ली को स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार है, और इसी अधिकार के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं।